नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम वेक्टर स्कोप पर करीब से नजर डालेंगे, जो एक इमेज में ह्यू और क्रोमा लेवल्स को एनालाइज करने के लिए यूजफुल है। पहली नजर में वेक्टर स्कोप डराने वाला हो सकता है, तो आइए एक नजर डालते हैं और एक गुड आइडिया गेट करते हैं कि इंटरफेस और कलर ट्रेस क्या है। वेक्टर स्कोप को देखने का तरीका कलर व्हील की तरह ही है। वेक्टर स्कोप के सेंटर में कोई क्रोमा नहीं है, यह एब्सोल्युटली व्हाइट और एब्सोल्युटली ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। बट ट्रेस वेक्टर स्कोप के आउटर एज के जितना करीब होगा, क्रोमा लेवल्स उतना ही अधिक होगा और हमारी इमेज हमें उतनी ही विविड यानी मोर सैचुरेटेड हमें दिखाई देगी। कलर व्हील के सुपर इम्पोज्ड होने से आप प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू और सेकेंडरी कलर येलो, साइन, मजेंटा देख सकते हैं। इस इमेज के कलर्स वेक्टर स्कोप में ट्रेस पैटर्न जनरेट करते हैं। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि जो कलर आउटर कलर्स टारगेट से आगे बढ़ने वाले हैं, वह ब्रॉडकास्ट के लिए सेफ नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दे आर मोर सैचुरेटेड, वे बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड होते हैं। इससे पहले कि हम कुछ इमेजेस को एनालाइज करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि वेक्टर स्कोप की ब्राइटनेस को कैसे कस्टमाइज किया जाए। ऐसा करने के लिए रेंच आइकन पर क्लिक करें एंड गो डाउन टू ब्राइटनेस एंड ब्राइट, नॉर्मल या डिमर के लिए अवेलेबल 3 ऑप्शन में से किसी एक को चुनें। ओके, आइए वेक्टर स्कोप का उपयोग करके कुछ फुटेज को इवेलुएट करते हैं। इस पहले एग्जांपल में एक लीड सिंगर किसी वेन्यू पर क्राउड को खुश कर रहा है। वेक्टर स्कोप को देखते हुए हम देख सकते हैं कि रेड टारगेट में ट्रेस के माध्यम से उसकी जैकेट विविड रेड है और हम ब्लू और साइन टारगेट के बीच स्थित निशान के साथ ब्लू फ्लूड लाइट देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्रेस हरी फसलों, ब्लू स्काई और वार्म स्किन टोन के विविड कलर से मेल खाता है। वेक्टर स्कोप शॉट टू शॉट मैचिंग के लिए कलर कंटिन्यूटी में हेल्प करता है। विशेष रूप से यह तब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब हम मेमोरी कलर्स, कलर स्कीम के साथ काम करते हुए गुड स्किन टोन अचीव करते हैं। वेक्टर स्कोप के अंदर एक हेल्पफुल टूल है फ्लैश टोन लाइन, जो स्किन टोन को क्रैक करते समय एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। हालांकि स्किन टोन इथनिसिटी और कम्प्लेक्शन के आधार पर अलग अलग होंगे, स्किन की टोन के लिए आइडियल जोन जनरली इस लाइन के साथ होगा। HSL वेक्टरस्कोप डिफॉल्ट YUV वेक्टरस्कोप के सिमिलर दिखता है। इसमें अंतर यह है कि यह ह्यू और क्रोमा लेवल्स के अतिरिक्त एक्सपोजर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। हालांकि HSL वेक्टरस्कोप एक नजर में इमेज एनालिसिस का समायोजन प्रदान कर सकता है। यह आमतौर पर कलर करेक्शन टूल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम स्किन टोन को निखारने के लिए वेक्टर स्कोप का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही कुछ बेहतरीन दिखने वाली कलर स्कीम कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो, बाय फ्रेंड्स।